अस्सलाम वालेकुम मेरे YouTube फैमिली। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और आगे का अभी देख लीजिए, थोड़ा बहुत कम हुआ, थोड़ा क्या सूख गया शुमार, अभी लग के 5-6 दिन हो गए थे। तो सुबह से ही व्लॉग स्टार्ट करना था लेकिन करी नहीं, अभी मेरा काम था तो मैंने सोचा आपको भी दिखाए, क्योंकि आहिल की स्कूल की रजा पड़ी है तो हम जा रहे हैं अभी। तो देख लीजिए, लाइट का उजाला पड़ा तो फेस क्लियर आता है, तो ऐसा है ये साइड में अलग आता है क्योंकि अंधेरा पड़ता है ना। तो चलिए ये छोड़िए, तो अभी हम जा रहे हैं कल गांव को, क्योंकि आहिल की छुट्टी पड़ी है स्कूल की, तो अम्मी के घर में 4 दिन और अम्मा के घर में 4 दिन रह के आएंगे। पहले हामेरी को जाएंगे, पहले हामेरी हामेरी जाएंगे, बाद में अम्मा को वहाँ पे छोड़ेंगे और उनको सामान की मन रखेंगे और सबसे जाएंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे। अम्मा है ना, वहीं पे ही रहती हूँ मैं, मेरी अभी तबीयत मेरी ठीक हो चुकी है, ऐसा बोल रहे हैं। वो यहाँ पे रहने का पसंद नहीं करते, क्योंकि उसका कारण क्या है मैं बताऊंगी आपको, ना कोई हमारा झगड़ा रहता है, कुछ नहीं रहता, लेकिन उनको यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, उसका रीजन मैं बताऊंगी और एक बार जब मैं गाँव से आऊंगी ना तभी बताऊंगी। तो अभी मुझे अम्मा के यहाँ पे जो भी कपड़े हैं उसे तय लगा के बैग में रखना है, आहिल के कपड़े रखना है, बुक वगैरह रखना है आहिल के, क्योंकि स्कूल को है ना 20 दिन की छुट्टी पड़ी है, तो उसे लिखने का बहुत सारा दिए हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट करें और अपडेट दे दूं कि हम जा रहे हैं गाँव को और कौन कौन गए हैं अपने मायके में, तो बताना मुझे कमेंट करके। लेकिन मैं पश मायके नहीं जा रही, ससुराल जा रही हूँ, उसके बाद से मायके जाना पड़ेगा, ऐसा है। तो 4-4 दिन की लेके जाना पड़ रहा है रज़ा, क्योंकि इनको 8 दिन की ही रज़ा है इसके पापा को, तो 4 दिन वहाँ पे 4 दिन वहाँ पे करके आ जाएंगे। तो ऐसा है, देखेंगे, मैं रुकूंगी 4 दिन से ज़्यादा, ये आए तो आने दो, क्योंकि मैं बार बार नहीं जा रही इसकी वजह से। तो आहिल अभी वो बुक लेके जाएगा, क्योंकि उसे होमवर्क दिए हैं, बहुत सारा होमवर्क है, होमवर्क लिस्ट का है बा, तो ये वाली लिस्ट में देख लीजिए, पूरा पूरा होमवर्क देते हैं उनसे अच्छा खासा, 5-5 टाइम लिखने के लिए, 10-10 टाइम लिखने के लिए, ऐसे सब दिए हैं। तो देना चाहिए, क्योंकि 20 दिन में बच्चे वहाँ पे यहाँ पे खेल के उड़ाल हो जाते हैं, इसकी वजह से उनको इतना होमवर्क देना चाहिए, नहीं तो बहुत मस्ती करते हैं, ऐसा रहता है। तो अभी गोलियाँ नहीं थे अम्मा के, तो गोलियाँ लाने के लिए गए वो, जो जो हम 2 या 3 महीने के गोलियाँ दिला के भेजते हैं, क्योंकि वहाँ पे जल्दी कोई जाने वाला नहीं है, वैसे भी उनके बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, मतलब अम्मा के फैमिली के, फिर भी टाइम पे जल्दी कोई नहीं आते, इसकी वजह से है ना हम ही 3-4 महीने के गोलियाँ देते हैं। और जब भी मैं जाती हूँ तो 1 महीने का रेशन तो करके ही आती हूँ, ऐसा रहता है, रेशन तो वहाँ पे मिल जाता है, गोलियाँ वगैरह को दूर जाना पड़ता है। तो ऐसा है, थोड़ी मूंग थी घर में, मूंग लेके जा रही हूँ, और ये बर्तन घिसने वाला काता था तो वहाँ पे अभी अर्जेंट के लिए नहीं था, तो ये लेके जा रही हूँ। और बहुत कुछ सामान, थोड़े प्याज लेके आई कल, टमाटो लेके आई, क्योंकि जाते ही है ना हमारा गांव ऐसा है कि तुरंत हमें कुछ नहीं मिलता, मतलब तरकारी ऐसा वगैरह कुछ नहीं जल्दी मिलता, सब हम एक छोटे से गांव में लेके जाना पड़ता है और हमारे गांव में तो कुछ भी नहीं मिलता। अभी तो दूध की पैकेट मिल रही है, लेकिन पहले वो भी नहीं मिलती थी, ऐसा था। तो चलिए अभी है ना, एक बैग में इसके कपड़े सब पैक कर लूंगी अभी मैं, अम्मा के कपड़े सब, हमारे तो नहीं लेके जाना है, क्योंकि हमारे अम्मी के घर में भी रहते हैं, मेरे सास के घर में भी रहते हैं, हमारे 2 जन के। तो चलिए, इसके कपड़े मैं वहाँ पे ज़्यादा नहीं रखती आहिल के, क्योंकि वहाँ पे रखने से ना जल्दी जाते नहीं ना, 3-4 महीने को एक बार जाते हैं तो छोटे हो जाते हैं, ऐसा है। तो चलिए ऐसे ही बने रहना, मैं क्या क्या पैकिंग करती हूँ और क्या क्या करती हूँ वो सब बताऊँगी। और है ना, मैं मुझे याद ही नहीं था कि बुध के रोज़ हम जाना है गांव को, तो मैंने इतनी सारी मोट भिगा के रख दी, ये बहुत अच्छी हेल्दी रहती है, मटे खाने में टेस्ट ही नहीं, मुंह में मूंग सरकी रहती नहीं है, होते हो बलक लिखो होते रस लिखो, उनको टेस्ट नहीं खा। तो ये मैंने ये भिगा दी, ये सभी दालों में से अच्छी वाली दाल रहती है, इसे कुलती बोलते हैं, इसका चकना भी अच्छा बनता है और साला भी अच्छा बनता है। तो अभी मैं फिलहाल के लिए थोड़ी बना के रोटी बना दूंगी अभी लंच में, जो भी बचती है उसे गांव को लेके जाऊंगी, क्या करूँ फिर यहाँ पे रह के तो खराब हो जाएगी ना, इसकी वजह से गांव को लेके जाऊंगी, क्योंकि जाते ही हमें शुमार दोपहर हो जाएगी शाम तक, और ये अच्छे बन जाएंगे तो शाम में सब्जी बना लेंगे, दिख रहा हंसी नहीं। हाँ, तो मैं बैक कैमरा करके व्लॉग बनाना भी सीख रही हूँ, मतलब फ्रंट कैमरा से ही बनाना जरूरी नहीं है, पीछे वाले कैमरा से बनाए तो भी अच्छा आता है, तो धीरे धीरे कुछ सीखेंगे। और मैं व्लॉग भी बना रही नहीं थी, अभी देखेंगे इसके बाद गांव जाके आने के बाद है ना, डेली व्लॉग आएगा मेरा, अच्छा अच्छे अच्छे वाले ही व्लॉग आएंगे मेरे। तो चलिए ऐसे बने रहना मेरे व्लॉग में,
तुझे दिखा देती हूँ मैं। तो चलिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। सब्सक्राइब करो और शेयर करो और लाइक करो। खूब सारा सपोर्ट करो। ओके तो चलिए ऐसे ही बने रहना मेरे व्लॉग में, दुआ में याद रखना। और ठहर को बोला तो चलता दिख रहा, तो दुआ में याद रखना। और इसको छोड़ के जाने का बहुत प्रॉब्लम हो गई पापू, ये है ना मेरे भरोसे भी रहती थी अभी, देख बोल रही अम्मी ना ले क्या हूं ना, ये है ना माँ बोल के एक बार बुलाती है, आहिल के ना भाई बोल के बुलाती है, ऐसे इसके तीन चार रमने के आवाज आते हैं। तो इसकी प्रॉब्लम है, इसको नहीं लेके जाऊंगी मैं यहाँ पे, छोड़ के जाऊंगी आपा के भरोसे पे छोड़ के जाऊंगी। और इसे मुर्गी के पाँव बहुत सारे लेके आए, दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पर है इसके मुर्गी के पाँव, एक एक दिन में दे देंगे वो आपा, तो इसके भरोसे पे छोड़ के जाऊंगी अभी मैं। तो फ्रिज में कुछ भी नहीं है मेरा, आने के बाद है ना फ्रिज धोने के बाद इसमें सामान भरूंगी, रख दिन में खाइए एक बस। तो चलिए ऐसे ही बने रहना, वो बुक रख ले। तो जी अभी डिसाइड होगा क्या क्या पहन के जाना है क्या क्या नहीं। आहिल कल ये पहन के जाता हूँ बोल रहा है, उसका फेवरेट कलर फेवरेट ड्रेस जो उसे किसी ने गिफ्ट दिया था। कौन देते रहे हो गिफ्ट में? याद चाचा चाचा की मामू जी। तो यहाँ पे देख लीजिए इतना सारा, आये अल्लाह, एक हंसी की दवा लेके इसे कहते 30 रुपए है थरकत यार रख रहे। तो एकदम इतना सारा लेके आए, इसमें हमारी भी है गोलियां और ये पूरे अम्मा के गोलियां हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे ये पूरे गोलियां हैं, तो ये सब एक ही बार, ये आहिल की गोलियां हैं, ये दूसरी मेरे भी, ये भी है, ये खांसी बुखार के है ये, तो ये हमारी और ये पूरे अम्मा के। तो ऐसा है, और आहिल के यहाँ पे टी शर्ट का बॉक्स मैं अलग ही रखती हूँ, तो इसमें से मैं इसे 4-5 टी शर्ट निकाल ली। तो ऐसा है, ये है ना कल 50 रुपीज को एक आई थी, तो दर्द दर्द के ब्लैक है, तो मैंने ये वाले दो ले लिया। अच्छा है ये, स्मूथ है, कॉटन में है, अच्छा है, कहीं पे जाते हैं ना घूमने तो वहाँ पे यूज आते हैं, ऐसे सोच के मैंने ले लिया दो। तो चलिए अभी हमारी ऐसे ही जर्नी चालू हो रही है कंटिन्यू, तो देखेंगे बने रहना। तो जी फ्रेंड अभी तैयार हो चुके हैं गाँव जाने के लिए, रात से मैं ब्लॉग स्टार्ट करी थी तो अभी तैयार हो चुके हैं, पसीना पसीना हो गया, अम्मा सब जाके नीचे बढ़ गए क्योंकि अम्मा बहुत खुश होते हैं अपने गांव जाने का रहा। तो आहिल के पापा भी तो रेडी हुए, आहिल नीचे चले गए, ये बाप बेटा है ना गाड़ी पे आ रहे हैं, मैं और अम्मा बस में आ रहे हैं क्योंकि फ्री टिकट है, इसके वजह से हम बस में आएंगे, इनको टिकट है तो ये गाड़ी में आएंगे। तो वो अम्मा का लो ना को रद्द हुआ वो, तो ऐसा है। तो चलिए जाएंगे और कल से वहाँ के ब्लॉग आएंगे, आपको वहाँ के ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो उम्मीद करती हूँ आज का मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हमें हैप्पी जर्नी ज़रूर लिखना। तो चलिए पूरे हावेरी जाने के बाद ही दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, बाय।